नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। इससे संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग इस तरह के आपके 12 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका 13वां टेस्ट है। ठीक है, याद रखिए, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लें, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, और हम लोगों ने भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपका पूरा कंप्यूटर पढ़ाया गया है। अगर उन लेक्चरों को प्लस ये मॉक टेस्ट जो हम लगा रहे हैं, अगर इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग, तो ये आपके लिए काफ़ी है। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जा सकता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि कंप्यूटर अपने आप रीबूट हो रहा हो तो यह प्रयास हो सकता है। वायरस के कारण क्या होगा इसमें? एक में आपका ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा दूसरा, जंक ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है, जंक ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है, इसे स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका ए, क्वेश्चन है हमारा तीसरा, बैंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस बदलाव को कहा जाता है। इतने पेचस कहते हैं, क्या कहते हैं? पेचस। तीसरे में आपका क्वेश्चंस, तीसरे में क्या होगा? ए। अगला है हमारा क्वेश्चन चार, कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि है। फायरवॉल। क्वेश्चन चार में क्या होगा? ए सही होगा ऑप्शन। पांच क्वेश्चन, किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है, किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है क्या है? इसके संचरण को सुरक्षित रखना। पांच में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छठवा, डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है, डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है सूचना को इनक्रिप्ट करना। छठवे में आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारा साथ, जब हैकर आपके फोन या फिर ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिशिंग। साथ में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आपका आठवां क्वेश्चन, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि GIF इमेज के अंदर पड़ा होता है, यह आपका स्पाईवेयर एप्लीकेशन। आठ में आपका सी ऑप्शन सही होगा। आठ में क्या होगा? सी। नौ क्वेश्चन है आपका नौ, इससे थ्रेट के सक्षम दुष्प्रभावों को मापा जाता है, यह है क्या है? नुकसान की डिग्री, नुकसान की डिग्री। नौ में आपका डी होगा। नौ में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। दस, यह कुछ भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है या सामान्य रूप से है, क्या है? थ्रेट। दस में क्या होगा? सी। दस में आपका सी। ग्यारह, ग्यारह क्वेश्चन है, हैकर सामान्यतः वैध उपयोगकर्ता होने का
अभिनय करके किसी नेटवर्क में प्रवेश अर्जित करते हुए इस प्रक्रिया को कहते हैं छदम भेद। इसे क्या कहते हैं? छदम बेस। 11 मार्क का डी होगा। 11 में क्या होगा? डी। 12, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? हैकर। 12 में आपका बी। 12 में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13, अगला क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है? यह शब्द वायरसों, बॉर्मर्स, ट्रोजन हॉर्स अटैक, एपलेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है। यह है कौन सा शब्द है? मालवेयर। 13 में आपका डी होगा। 14, निम्नलिखित में से HTTP कनेक्शन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कूट लिखित प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। 14 में आपका बी होगा बिल्कुल सही। 15, निम्नलिखित में से इसके अलावा सभी रियल सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी खतरों से संबंधित है? वायरस। 15 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 16, पहला पीसी वायरस बनाया गया था। कब? 1986 में। 16 में आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17, कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। 17 में आपका सी। 18, वायरस ट्रोजन हॉर्सेस तथा वो बॉर्मर्स कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं ये सभी, ठीक है? तो 18 में आपका ए होगा। 18 में क्या होगा? ए। 19, पहला कंप्यूटर वायरस है कौन सा? क्रीपर। क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन सही होगा। 19 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 20? 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में दाखिल होता है परंतु ये ना तो वायरस है और ना ही अपने को मेमोरी में नकल करता है? तो इसमें क्या होगा आपका? बी, लॉजिक बम। क्या है? लॉजिक बम। कुछ भी कहिए, ये भी अच्छा इस मुसीबत की घड़ी में साथ दे रहे हैं सब्जी वाले, ठेले वाले। कम से कम घर तो पहुंचा दे रहे हैं सब्जी। इनका भी बहुत योगदान है इस लड़ाई में, याद रखिए, ठीक है? 21वां क्वेश्चन है हमारा, एक फायरवॉल संचालित होती है। सी, पैकेटों का नेटवर्क से में जांचना तथा नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित फिल्टरिंग करवाना। 21 में आपका सी होगा। 21 में क्या होगा? सी। 22, एक टाइम बम विशेषता प्राप्त होता है। केवल एक विशेष समय पर। 22 में आपका सी। 23, निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है निगरानी करना।
23 में आपका ए होगा। 24, पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रांड, 24 में क्या होगा सी। 25, निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है, मैक्रो वायरस, 25 में आपका ए है, 25 में क्या है ए। 26, अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास कहलाते हैं, फिशिंग ट्रिक, 26 में आपका ए होगा, 26 में क्या होगा ए। 27, घृणित मैसेजिंग सिस्टम से अनैच्छिक मैसेज भेजने को क्या कहते हैं, स्पैम, 27 में आपका बी होगा, 27 में बी ऑप्शन सही है। फिर आपका 28, क्या 28, ट्रेंड माइक्रो एक है, ट्रेंड माइक्रो एक है, क्या है ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, 28 में आपका बी होगा, बिल्कुल सही। 29, एक एंटीवायरस है, एक एंटीवायरस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो भी आपके एंटीवायरस हो गया है ट्रेंड माइक्रो, ये सभी आपको वहाँ बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाया गया था, ठीक है, आपके चैप्टरों में, तो उसे जाकर देख लें पहले। 30, यह भी एक वायरस का प्रकार है, इसे बाह्य रूप से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पकड़ से छिपने के लिए डिजाइन किया गया है। 30 में आपका सी बिल्कुल सही है। 31, निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारियों जैसे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स व डेबिट कार्ड्स इत्यादि छद्मवेश के द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस पर अधिग्रहण करने की कोशिश की जाती है, फ्रेसिंग, 31 में आपका बी। 32, इसे सामान्यतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा हस्तांतरित करके करते हैं ताकि उसे हानि पहुंचाई जा सके, स्पैम, 32 में आपका बी होगा। 33, कुछ वायरसों में विलंबित पेलोड होता है, इसे कहते हैं बम, 33 में आपका सी। 34, यह एक स्वतः नकलीय प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है व अन्य डॉक्यूमेंटों या एग्जीक्यूटर क्यूटेबल कोड में अपनी पितियों को डालकर फैलाता है, बॉर्म, वॉर्म, क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। 35, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है वायरस पहचानने के लिए, 35 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36, जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आपका स्पैम मेल या जंक मेल कहते हैं, यानी कि ए भी दोनों सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर है आपका 37 क्वेश्चन, क्या है अर्पानेट
ने किस वायरस का पता लगाया था? अर्पानेट ने किस वायरस का पता लगाया था? तो ये वायरस था आपका क्रीपर। क्या था? क्रीपर। बी ऑप्शन सही है। 38 फ्राइडे 13 तथा 648 उदाहरण हैं। तो ये आपके वायरस के हैं। तो चलिए ये था आपका 13वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग आपका 14वां टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है।